जून के महीने में अभी तक गर्मी ने लोगों को बेहाल किया है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे शहरवासियों को जल्द से निजात मिलने वाली है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि अगले कुछ दिन शहर में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में दिन के तापमान में गिरावट रहेगी, वहीं शहर का तापमान 40 डिग्री से नीचे जा सकता है। इसके साथ ही हीट वेव की स्थिति से भी कुछ दिन राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि वीरवार को चंडीगढ़ में हल्की बारिश रहेगी और बौछारें भी पड़ सकती है। हाँ, पिछले दिनों में लगातार जो गर्मी पड़ रही है, काफी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा चल रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सी टेम्परेचर में जो कमी रही। कल भी जो हरियाणा के टेम्परेचर थे उसमें काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की है, क्योंकि कल जो पूरा दिन हरियाणा में जो बादल छाए रहे हैं और आज भी जो अभी साउथ हरियाणा है उसमें क्लाउडीनेस है, और इसके लिए जैसे फोरकास्ट दी हुई है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज अप्रोच करेगी, जिसकी वजह से जो वेदर एक्टिविटी हो सकती है पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी। तो आने वाले जो दिन होंगे जो 16, 17, 18 तारीख को, इसमें पंजाब में और हरियाणा में कुछ एक जगह पे बारिश होगी और साथ में जो थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है। 16 तारीख को जो अपने पंजाब का जो इलाका होगा इसमें हैवी रेनफॉल होने की भी प्रोबेबिलिटी है, और जो बाकी पंजाब के इलाके होंगे इसमें पांचों दिन जो है वो हमने वार्निंग इशू की हुई है, जिसके लिए अपने रेन थंडर शावर हो सकता है और साथ में जो तेज़ हवाएं चल सकती हैं 30 से लेकर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवाएँ चल सकती हैं, जो अपनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी। जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट हिसार है, अपने गुड़गांव का है और साथ में जो इलाके लगते हैं इसमें तेज़ हवाएं चल सकते हैं। इसी तरह जो पंजाब के साउथ पंजाब के इलाके होंगे इसमें भी तेज़ हवाएं चलने की जो प्रोबेबिलिटी है। हैवी बारिश जो है वो जो पहाड़ी इलाकों के साथ जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जो पंचकूला है, अम्बाला है, यमुनानगर है, इसमें एक दो स्थानों में हैवी शावर होने की भी प्रॉबिलिटी है। और इसी तरह जो पंजाब के इलाके होंगे जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट है, होशियारपुर, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ में कपूरथला और जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक दो स्थानों पे जो हैवी बारिश हो सकती है। अगले आने वाले जो दिन होंगे इसमें हीट वेव कंडीशन जो है वो नहीं रहेंगी, जो टेम्परेचर है वो 3 से लेकर 5 डिग्री तक जो है वो गिर सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून अभी केरल से होता हुआ पूर्वी बिहार और गुजरात को टच कर गया है। अभी चंडीगढ़ में मॉनसून पहुंचने की कोई तारीख तय नहीं है। हालांकि जून के अंत तक मॉनसून के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पिछले साल के हिसाब से 29 जून को चंडीगढ़ क्षेत्र में मॉनसून आने की उम्मीद जताई गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।